साई का बेटा। अलाउड हमको ही है। चहु नगो नगो जोर नगो नगो। अरे कहते नहीं वो ही तुम्हार तुम्हारे पास से आ रहा है तुम्हार जगह। श्रृंगार करने के लिए अब जो ये जेवर है ना, ये जेवर पहन के आएंगे ना, अभी इनको आधा श्रृंगार हो रखा है। Thank you.
अरे गुलाब से नहीं खुल रहा है, बर्जुल बर्जुल के करना है। रामल इटो भरता रामल मेरे डाटे और बाकी ना जमिया खिलाने ले जाने बाबुल तेरे मेहरा बेचो तेरे लाडो पर दे उनसे बोलिए हमें नहीं। ये देखो ये बातचीत तुम्हारी हो रही है, हम तो बता रहे हैं बता रहे हो आप दोनों जो वो
जो पर्वत ही नहीं पर्वत ही है। खाना करने वाले कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा नहीं अभी सबके सामने आपको बोलना है। अग्नि को साक्षी मानकर इतने लोग देखो बैठे हैं, ये आपके साथ के गवाह है। ये नहीं कि तुमने मुझे बुला लिया और उनको पता ही नहीं कि मेरे घर में आता होना करके, तो उनको कैसा लगेगा? अगर दो दिन पहले चार दिन पहले आप मुझे पूछोगे तो भी तो बोलेंगे ना कि हाँ या ना करके, तो उनका भी तो आंसर होगा। इसका अर्थ यही है कि जो भी आप धार्मिक कार्य करोगे तो आप उसमें मेरी अनुमति होगी, यानी मुझसे भी आप हो गए। यदि कहीं जाना है, कोई पाकिस्तान जाना है, वहाँ दानपुर करना है, कहाँ पर क्या करना है, इसे समझते लोग इनसे पूछोगे हाँ जी क्या दानपुर करना है, बिना इनके समझते से आप दानपुर कार्य नहीं कर सकते। मैं नहीं अगर तुम्हें समझ नहीं आता है, आपको समझ आता है, आप दोबारा से बोले कि मैं समझ नहीं है। तो है कि कहीं भी धार्मिक स्थान पर आप जाओगे, ठीक है, जो किसी को भी कुछ आपको देना होगा तो आप चुपचाप मुझे छुपके नहीं दोगे, पत्नी के सामने दोगे, उनसे पूछोगे कि यार मैं इसको इतना पैसा देना चाहता हूँ, ठीक है, क्या अगर उसमें सभी इतने हम दो आचार्य आपके बैठे हैं। मतलब मेरा वही कहना है कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगी है, अब मैं मुझे पता है कि ये चीज ठीक है, जब मैं कर रहा हूँ उसको और उसमें मतलब वो उसकी मर्जी नहीं है, देखो सबसे मैंने मर्जी वाली बात नहीं, जहाँ से दो तीन मिल गया तो उनकी मर्जी एक हो गई। तो जहाँ से दो दिन मिल गए हैं तो कोई रोक टोकने वाला नहीं है, चाहे तुम शिमला जाओ, चंडीगढ़ जाओ, हरिद्वार जाओ, तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। इसे बदमा कन्या करके अब अर्थात मन काम करवा जो लाइफ में जिंदगी में तीन अवस्थाएं होती है, दिन बाल युवा बुढ़ापा, बाल युवा कर निश्चित में निकल गई, ठीक है, वो करिए युवा अवस्था में और बुढ़ापे अवस्था में आज पालना करो क्या होगा, हाँ वृद्धावस्था तक आपको मेरा पालन करना होगा, हाँ ठीक है, वृद्धा नहीं मिटवा रहा हूँ, नंबर आए आपका ये बंदा कुछ और लग रहा है मेरे, अच्छा ठीक है, थोड़ा उसे होना चाहिए। कन्या कहते हैं धनाधन मन, कन्या कहते हैं आपने कहीं धन रखा हो बैंक में कितना पैसा क्या नहीं है और आपका एटीएम कार्ड था वो पिन नंबर इतना होगा, धन से मुझे मैं लॉकर लॉकर रखा दूंगा, उनको भी उनके जाने में जानकारी है, ठीक है, बताएगा या मैं ही बताऊंगा, समझ गया मतलब उसका तीन तो पहले बताया होगा, तो बता ही रहा था मोमोज खाने के लिए कार्ड आपको खरीद मतलब होता है खरीदना बिक्रे मतलब वो कन्या आपके पत्नी ये करे कोई खरीद करना हो खरीदना हो और कुछ
विक्रय करना है तो अपना कोई डिसीजन आप नहीं लोगे, ठीक है, अपने घरों की रूप करते हैं क्या करना है क्या नहीं और क्या बेचना है जो भी आपको क्रय विक्रय का संबंध होगा उनसे जो पीछे मिला आप क्रय विक्रय नहीं करोगे। ध्यान रखियो जिसे घर आएगा ना फोन करियो मोमोज लाओ क्या पहुंचा बेटा मोमोज मोमोज कर रहे तो वो करें कि वो छठ कुमार मेरी पालना कर दो जैसे कुछ आते हैं छठ कुछ आते हैं घर में कुछ आते हैं बसा दो, ठीक है, जैसे जैसे ऋतु आती है उसी हिसाब से कन्या करिए आप मेरी पालना और छठ में आपने विशेष राज्य आप लड़ हो जाएगा ना तो पहले करके जैसे ऋतु आती है उसको से आप मेरी पालना करो स्वीकार है। अब शास्त्र में कहते हैं सभी तो मम हाचो पटो वाकला नाउके पुदारे पुदारे बावा माँ बामंगे आप अच्छा भी शास्त्र में कन्या कर रहे हैं अगर कभी भी मैं अपने शरीर के दूर तो होंगी उस समय आप मुझसे कोई बुरा बात नहीं कहोगे और नहीं भी हंसी करोगे जितनी पानी का तब अब मुझे तो वो करें अगर शास्त्र आप स्वीकार है तब मैं आपके बामन आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेरे माता पिता ने मेरे माता पिता ने कमना वाद कर मुझे आपको दान किया है, ठीक है, मेरे माता पिता ने इस कमना वाद कर मुझे आपको दान कर दिया है, ठीक है, कभी भी आप मेरे से ये मत कहना कि आप अपने मायके से क्या करें या आपके माता पिता ने या आपके रिश्तेदार ने मुझे क्या किया, मैं आपकी शुभकामना के लिए मैं आपकी उन्नति के लिए शिव पार्वती का व्रत करूंगी, शिव पार्वती का व्रत करूंगी, अगर मैं व्रत करूंगी तो अगर आपकी उन्नति है आपकी उन्नति के लिए मैं शिव पार्वती का व्रत हमेशा औरत होती है वो अपने लिए लिंगो दूसरी लेती है, ठीक है, जब उसको कोई आशीर्वाद देता है तो क्या कहते हैं मांग मेरी सिंदूर मेरा नाम मांग तो मेरी है सिंदूर भी मेरा है लेकिन नाम किसका है मेरा है हमारा है ना आज से मांग जब शादी करते उसके बाद ही मांग भरते हैं तब तो मांग मेरी सिंदूर मेरा नाम कोख मेरी दूध मेरा कोख मेरी बच्चे को दूध में मिला है लेकिन नाम किसका औरत मैं लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर पर तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगी तुम्हारी जैसे रहती और हंसने से प्यार और भरोसा आदर लेकिन आपको मेरा पालन पोषण करना होगा और कभी भी अनादर नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है उनके साथ वचन पूरे होगी आपने नाम लिखा मेरा सजना मिलना
आ रही है।